नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करेंगे जियार्डियासिस के बारे में। जियार्डियासिस जो है वो एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो जियार्डिया लैम्बलिया के कारण होता है हम इंसानों में, और ये इंसान के इंटेस्टाइन में होने वाली एक डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोअन पैरासाइट से होती है। जियार्डिया के अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे जियार्डिया लैम्बलिया को हम एक स्पीसीज मानते हैं जो काफ़ी कॉमन है, जिससे इंटेस्टाइनलिस ड्यूडेनलिस की बीमारी होती है ह्यूमन या मैमल्स में। इसके अलावा जियार्डिया म्यूरिस, ऑर्डेई, सिटैसी और एजिलिस भी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। हैबिटाट की बात करें तो जियार्डिया लैम्बलिया हमारे ड्यूडिनम जो कि पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला, वहाँ पे पाया जाता है ड्यूडिनम में, और जो जेजुनम का अपर पार्ट होता है वहाँ पे भी पाया जाता है। ये दो तरीके की इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, ट्रोफोजोइट और सिस्ट, दो रूप में ये पाया जाता है। ट्रोफोजोइट का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया, इसका ट्रोफोजोइट पियर शेप का होता है जबकि इसका सिस्ट जो है वो ओबल शेप का होता है। दोनों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ट्रोफोजोइट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सिस्ट में भी अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ट्रोफोजोइट की बात करें तो जब हम इसे देखते हैं तो ये बैडमिंटन रैकेट की तरह दिखाई देता है। डॉर्सल सरफेस जो है वो इसका कन्वेक्स होता है और वेंट्रल सरफेस जो है वो कनकेव होता है, जहाँ पे सकिंग डिस्क पाए जाते हैं। ट्रोफोजोइट जो है जियार्डिया लैम्बलिया का वो 14 माइक्रोन लॉन्ग होता है जबकि 7 माइक्रोन ब्रॉड होता है। ऑल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन होते हैं इसके, वो न्यूक्लियाई हो या एक्जोस्टाइल हो या फ्लैजिला हो या बेसल बॉडी हो, जितने भी पार्ट्स होते हैं ट्रोफोजोइट के अंदर वो सारे पेयर में पाए जाते हैं, जैसे कि 2 एक्जोस्टाइल, 2 न्यूक्लियाई और 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला ट्रोफोजोइट के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पेयर ऑर्गन्स होते हैं। सिस्ट जो है जैसा मैंने आपको बताया कि ओबल शेप का होता है जिसकी लेंथ 12 माइक्रोमीटर और जो उसका ब्रीड है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। यहाँ पे जो फ्लैजिला होते हैं वो ब्लंट होते हैं, यानी कि ब्लंट फ्लैजिला जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये ज़्यादातर हम इसको पहले जूनोटिक मानते थे, लेकिन इसका एविडेंस मिला कि ये जूनोटिक नहीं है, ये ह्यूमन के अंदर, प्रीमेट्स के अंदर, कैट, डॉग या काल्ब्स के अंदर या रैबिट के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है। यह बीमारी दुनिया भर के देशों में हमें देखने को मिलती है, ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है या यंग एडल्ट्स में, जो 5 से 15 साल के लोग हैं या जो 20 साल के लोग हैं उनमें समर सीजन में इसका इन्फेक्शन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बीमारी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है, फीकल ओरल रूट के द्वारा, वाटर स्पोर्ट्स यानी कि तैराकी इत्यादि से हो सकती है, सरफेस कॉन्टामिनेशन हो सकता है वाटर के द्वारा हो सकता है, एंड सेक्सुअली एक्टिव मेल होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जब भी हम कोई ऐसा फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर इसके सिस्ट अवेलेबल हैं, जियार्डिया के सिस्ट मौजूद हैं, तो वह हमारे ओरल रूट से होते हुए इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वहीं पे वो सिस्ट जो है उसका एक्स सिस्टेशन हो जाता है, यानी उससे कि ट्रोफोजोइट बाहर निकलता है और वह ट्रोफोजोइट जो है वो मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा और लॉस हो जाता है, यानी जो म्यूकस लेयर है हमारी इंटेस्टाइन की उसके साथ अटैच होकर लगातार डिवीजन करते रहता है और हमें जियार्डियासिस की डिजीज कॉज करता है, जिसके अलग अलग लक्षण होते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन होना, एब्डोमिनल क्रैम्प होना, डायरिया होना, इस तरीके के लक्षण हमें इस बीमारी में दिखाई देते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो ट्रोफोजोइट स्टेज जो है पैरासाइट का वो हमारे इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। व्हेन कंडीशन इन द ड्यूडिनम आर अनफेवरेबल, जब हमारे ड्यूडिनम का कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए इसके ग्रोथ के लिए, तो यहीं जो हमारे ट्रोफोजोइट होते हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंसिस्टेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ मैन इज ब्राउट बाई इंजेक्शन ऑफ सिस्ट। इंसानों में इन्फेक्शन तब होता है जब वो फूड या वाटर के सहारे सिस्ट हमारे शरीर में प्रवेश करे। विद इन 30 मिनट ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के 30 मिनट के अंदर ही सिस्ट से ट्रोफोजोइट बाहर निकल जाता है जिसको एक्स सिस्टेशन कहते हैं, और वो अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है और ड्यूडिनम के अंदर काफ़ी कम समय में अपनी पूरी कॉलोनी बना करके वो तैयार कर लेता है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जियार्डियासिस जो है या जियार्डिया लैम्बलिया का इन्फेक्शन, इसको 50 से 70% टाइम जो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो स्टूल के सैंपल से करते हैं। 50 से 70% स्टूल के द्वारा हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम सलाइन मेथड या आयोडीन मेथड के सहारे हम
स्टूल का स्मेयर बनाते हैं और उसमें हम इसके ट्रोफोजोइट और सिस्ट को फाइंड करते हैं। कई बार जब ये किसी ऑर्गन में है तो हम वहाँ पे बायोप्सी कर सकते हैं या वहाँ से ड्यूडिनम एस्पिरेट का सैंपल ले सकते हैं। बचाव का तरीका यही है कि हमें फलों और सब्जियों को या वाटर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, साफ़ पानी को कंज्यूम करना चाहिए, पका हुआ भोजन खाना चाहिए, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, क्लोरीनेशन भी के साथ साथ, जब हम क्लोरीनेशन करते हैं वाटर के अंदर मौजूद माइक्रोब्स को मारने के लिए, उसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हैं जैसे कि प्यूरीफायर्स हैं आजकल, वाटर प्यूरीफायर, उससे वाटर को प्यूरीफाई करके कंज्यूम करना चाहिए। ब्रिंगिंग वाटर टू बॉयल, पानी को कई बार बॉयल करके भी पीना चाहिए ताकि उसके अंदर के सिस्ट मर जाएं। तो ये सारी जानकारियाँ थी जीआईडीएसिस के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने द्वारा शेयर करिए।